क्या गीता कपूर ने वाकई शादी कर ली है? भाई इस तरीके के सवाल वाकई सोशल मीडिया पर आ रहे थे और इसका जवाब अब खुद गीता कपूर ने दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि गीता कपूर ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें डाली थी जिसमें वो सिंदूर लगाए हुए दिखाई दे रही थी, और इसके बाद से ही उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ये सवाल कर रहे थे कि क्या गीता कपूर ने शादी कर ली है, वो भी गुपचुप तरीके से, किसी को खबर नहीं लगी, सीधे सिंदूर लगाए हुए दिखाई दे रही है। भाई देखिए, क्यूरियोसिटी तो हो ही जाती है। तो ये सवाल इधर उधर घूम रहे थे सोशल मीडिया पर, एंड फाइनली अब गीता कपूर का इस पर रिएक्शन आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि असल में बात क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि देखिए भाई, कोई शादी वादी नहीं की है मैंने, और अभी समय भी नहीं है इस तरीके का, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपनी माँ को खोया है, और अगर मैं शादी करूंगी भी तो मैं इस तरीके की इंसान नहीं हूं कि मैं गुपचुप तरीके से करूं, मैं तो भाई सबको बताऊंगी अगर मैं शादी करूंगी। फिर उन्होंने बताया कि आखिर तस्वीर में सिंदूर की वजह क्या है। उन्होंने कहा कि मैं अपने शो यानी कि सुपर डांसर चैप्टर 4 के लिए ड्रेस्ड अप थी, क्योंकि हमारे आने वाले एपिसोड में जो है बॉलीवुड की यस्टरडे क्वींस को ट्रिब्यूट दिया जाएगा, यानी कि बॉलीवुड की जो पुरानी अदाकाराएं हैं जो कि काफी मशहूर हैं उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि मैं रेखा जी की बहुत बड़ी फैन हूं, तो मैंने रेखा जी की तरह ही गेटअप लिया था, और अगर आप जानते हो तो रेखा जी भी हमेशा सिंदूर लगाती हैं अपनी मांग में, तो मैंने भी लगाया हुआ था क्योंकि मैं रेखा जी की तरह दिखना चाहती थी। तो ये वजह थी कि मैंने जो है सिंदूर लगाया हुआ है अपनी मांग में, और वही तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए, अच्छा हुआ कि गीता कपूर ने क्लैरिटी दे दी, वरना सवाल तो बहुत तरीके के आ रहे थे। अभी के लिए इतना ही। एंटरटेनमेंट दुनिया की सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।